नमस्कार, gabhasan.com में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन राठौर। आज हम बात करते हैं रोहित तिवारी हत्याकांड की। इस हत्याकांड की पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह हाई प्रोफाइल मर्डर केस है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित तिवारी, जिसे रोहित शेखर के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ दुर्भाग्य शुरू से ही जुड़ा रहा। राजनीतिक जीवन में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी व्यक्ति को जीवन भर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़े, और ऐसा हुआ रोहित शेखर के साथ। रोहित शेखर की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। रोहित शेखर के बारे में बताया जाता है कि उनके पिता नारायण दत्त तिवारी, जो कि कांग्रेस के जाने माने वरिष्ठ नेता थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके किसी महिला से संबंध थे और रोहित तिवारी उन्हीं का बेटा था। रोहित तिवारी के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने पिता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी माँ को अपने साथ लिया। यह लड़ाई अदालत से लेकर सड़कों तक चली और इसके बाद डीएनए टेस्ट हुआ। डीएनए टेस्ट होने के बाद यह पाया गया कि रोहित तिवारी नारायण दत्त तिवारी का बेटा है। इसके बाद इस कहानी में बहुत अधिक मोड़ आया। लगभग बूढ़े हो चुके नारायण दत्त तिवारी को यह स्वीकार करना पड़ा कि रोहित तिवारी उनका बेटा है, और यह पूरा का पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा उस समय पूरे देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना कि किस तरह से नारायण दत्त तिवारी को रोहित तिवारी को अपना बेटा स्वीकार करना पड़ा। रोहित शेखर की कहानी पहली यह है। दूसरी कहानी शुरू होती है उसकी अपूर्वा के साथ। अपूर्वा जो कि इंदौर की बेटी रही है, इंदौर के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पी के शुक्ला की बेटी है वो, और उनकी मुलाकात दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में किसी केस के सिलसिले में रोहित तिवारी से होती है। उसके बाद दोनों का अफेयर आगे बढ़ता है, शादी की बात चलती है, शादी तय होती है, और शादी तय होने के बाद दोनों परिवारों की उसमें सहमति रहती है। अपूर्वा शुक्ला के बारे में यह बताया जाता है कि वो बेहद महत्वाकांक्षी लड़की है और शुरू से ही इंदौर में प्रैक्टिस करने के बाद इंदौर हाईकोर्ट में उसने प्रैक्टिस की, वहाँ से फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में उसने प्रैक्टिस की, और वो एनजीओ भी चलाती थी। इसके अलावा सामाजिक विषयों पर उनके आर्टिकल्स भी प्रकाशित होते थे। कुल मिलाकर रोहित तिवारी से उनकी शादी तय हुई। रोहित तिवारी के साथ जो कहानियाँ जुड़ी रही हैं, जिस तरह से नारायण दत्त तिवारी के साथ कहानियाँ जुड़ी रही, उसी तरह की कहानियाँ रोहित तिवारी के साथ जुड़ी रही कि किसी एक महिला से उनके भी संबंध रहे। और अपूर्वा को यह शक था कि वो जो महिला है, जिसका अभी नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, कोई उसे कुमकुम बोल रहा है, कोई उसे अन्य नाम दे रहा है, लेकिन बहरहाल आज जो अखबारों में चर्चा है उसके अनुसार रोहित उस महिला के साथ बैठकर शराब पीता था और उसका एक बेटा था उस महिला का, और अपूर्वा को इस बात का शक था कि ये जो बेटा है ये रोहित का बेटा है। और यही वजह रही कि अपूर्वा का जो फ्रस्ट्रेशन था वो बढ़ता चला गया। उसे वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिला। उसके अलावा बस देखती थी कि रोहित किस तरह से शराबखोरी करता है और उस महिला के साथ बैठकर शराब पीता है। अपूर्वा को इस बात की शंका भी थी कि रोहित अपनी प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम कर देगा। कुल मिलाकर अवसाद और फ्रस्ट्रेशन, इन तमाम बातों के बीच उसका वैवाहिक जीवन फंस गया था अपूर्वा का। रोहित तिवारी और उन दोनों के बीच लगातार विवाद बढ़ते चले जा रहे थे, लगातार किस्से बढ़ते चले जा रहे थे, और नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि अपूर्वा उससे तलाक लेने वाली थी। लेकिन इसी बीच यह एक इतना बड़ा कांड हो गया है जिसने पूरे इंदौर सहित दिल्ली की राजनीति को भी हिला दिया, क्योंकि रोहित तिवारी छोटी मोटी हस्ती नहीं था, वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का बेटा था। देखने वाली बात अब यह है कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में आगे और क्या सच्चाइयां सामने आती है, लेकिन फिलहाल तो पूरे देश में इस कांड की चर्चा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।